हम अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करें अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ, कुछ चीजें, कुछ टिप्स आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप सबको जानना है और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो किस तरीके से करें, कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ टिप्स हैं मेरे एक्सपीरियंसेस से। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक कंप्लीटली देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा, आप सब देख रहे हैं ट्राई डब्लू टेक, ट्राई टेक नाम मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सब नए मेहमान है, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि भाई मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे क्या चैलेंजेस आए थे और क्या जो मैं अपना बिजनेस विदाउट एनी मनी स्टार्ट किया या मैंने कुछ पैसा लगाया उसमें, तो सारी चीजें मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बिजनेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है सर्विस। आप या तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या तो सर्विस बेच रहे हैं। अब देखिए, मैं इस हिसाब से आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, समझ में भी आ जाए। अगर आप किसी प्रोडक्ट वाले बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आप जिसमें कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, उस बिजनेस में आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो लगानी पड़ेगी। वो अगर आपका लाइक 5-10 हजार, 20 हजार रुपए हो गए, है ना। बट अगर आप एक सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस में जा रहे हैं, इसमें आप एकदम कम से कम पैसे में इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि कोई पैसा नहीं, इतना तो पैसा आप एक डिनर पे जाते हैं तो वहां खर्च कर देते हैं। सर्विस बिजनेस आप 1000-2000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन 1000-2000 में आपको ROI भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 5-10 हजार, 15 हजार रुपए तो लगते ही लगते हैं। अब बात करते हैं मेरे बिजनेस की। मेरा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन है। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे आप वीडियोस देख रहे हैं, यहां पे भी हमको पैसा मिलता है। 21 तारीख को हमारी पेमेंट आती है, यूट्यूब हमको देता है। उसके बाद मैं ब्लॉगिंग करता हूं, मेरी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से मुझे अफिलिएट मार्केटिंग से इनकम होती है। अफिलिएट मार्केटिंग, आप अगर किसी और के प्रोडक्ट को बिकवाते हैं तो वहां से आपको कुछ कमीशन मिलती है। अब इसमें भी दो प्रकार है। एक प्रकार मतलब अगर आप जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे क्या होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई भी बना सकता है, फ्री में बना सकता है, कोई पैसा नहीं लगता है। यूट्यूब चैनल पे आप अगर स्टार्ट करना चाहें, वीडियो बनानी है, आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, जो कि स्मार्टफोन आप अपने रेगुलर यूज के लिए यूज करते हैं, राइट। उसके बाद आपको माइक की जरूरत है तो आपका फोन, अपने फोन का ही माइक आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो अभी जैसे अब जो लोग बोलते होंगे कि यूट्यूब पे भी आप फ्री में काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी होगी वो इतनी अप टू द मार्क नहीं होगी। आप स्टार्ट करो, धीरे धीरे जैसे वहां से कुछ रेवेन्यू आए, देन उसके बाद आप अपने जो चीजें हैं उसको स्केल कर सकते हैं। जैसे मैंने कैमरा खरीद लिया, कैमरे के साथ साथ मैंने माइक खरीद लिया, मैंने कुछ अपने एक्स्ट्रा पैसे से नहीं लगाया, मैं जो जॉब से कमाता था उससे मैंने पैसा नहीं लगाया, मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैं यूट्यूब से कमाया वो मैंने यूट्यूब पे लगाया, जो मैंने ब्लॉगिंग से कमाया उसको मैंने ब्लॉग पे लगाया। ऐसे सारी चीजें बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें बड़े बिजनेसेस की, लाइक टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। टाटा वालों के अपने अलग अलग सेक्टर है, TCS हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, उसके बाद टाटा सॉल्ट है, उसके बाद टाटा का जो वोल्टास कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है, तनिष्क हो गया, है ना, इन सब का अपना ज्वेलरी में डील करते हैं। तो इनके हर एक बिजनेस का अपना अपना, जहां से अगर वो प्रॉफिट कमाते हैं तो उसको उसमें ही लगाते हैं। अब कई बार ऐसे केसेस में होता है कि जैसे अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही चीज में मेहनत करता है। अगर फॉर सपोज अगर मैं अभी यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पे मेहनत किया, इसके साथ साथ जो पैसा आया इसमें तो मैंने इन्वेस्ट करा ही, उसके साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत पैसा निकाल के अपनी वेबसाइट्स में भी लगाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब मैं और सारी रिसर्च करता गया मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई कि भाई यहां से भी ये हो सकता है, यहां से भी ये हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप सब जगह लगाते गए। जब आप 10 जगह आपने पैसा लगा दिया, कहीं ना कहीं से तो रिटर्न आएगा आपको, उस रिटर्न को आपने फिर उसको रीइन्वेस्ट किया किसी और बिजनेस में। तो इस तरीके से आदमी ग्रो करता है, इस तरीके से आदमी बढ़ता है अपने ऑनलाइन करियर में या ऑफलाइन करियर में। अब चलिए मान के चलते हैं कि मेरा एक बिजनेस है, जैसे मेरी एक वेबसाइट है या फिर मेरा यूट्यूब चैनल है जहां से मुझे 20,000 रुपये महीना आता है। 20,000 रुपये महीना आ रहा है, अगर मैं देखो कितनी वीडियोस डाल रहा हूं, अगर मैं महीने की 10 वीडियोस डाल रहा हूं, 10 वीडियोस से मुझे 20,000 रुपये महीना आ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं बढ़ा दूं तो 15 वीडियोस कर दूं तो क्या वो 20,000, और ये भी फ्लक्चुएट करता रहता है, ये नहीं कि भाई फिक्स होता है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं 15 वीडियोस या 20 वीडियोस मंथली कर दूं, तो जब 10 वीडियोस में मुझे 20,000 आ रहा है तो 20 वीडियो से मुझे ऑब्वियसली 40,000 आएगा, 40,000 नहीं आएगा तो 30-35,000 तो आएगा ही आएगा, राइट। तो आप जब वीडियो का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो आपका रेवेन्यू भी यहां से बढ़ गया,
राइट रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ आपके पास काम भी बढ़ रहा है। अब आप वीडियो एडिटिंग खुद करते हैं, प्रोडक्शन खुद करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप एक बंदा हायर कर सकते हैं। क्या आप एक बंदा नहीं हायर कर सकते 8,000-10,000 की सैलरी पे जो आपकी वीडियोस को एडिट करे या फिर आपके ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखे? अगर आप यूट्यूब पे 20 वीडियोस डाल रहे हैं, ब्लॉग पे सिर्फ 2 आर्टिकल डाल रहे हैं मंथली, तो देखो यहां से तो रेवेन्यू आ रहा है, बट ये भी एक ऐसा सोर्स है जहां से आप रेवेन्यू बना सकते हैं, तो क्या आप उसको स्केल नहीं कर सकते? आप एक ऐसा कंटेंट राइटर भी हायर कर लीजिए। अब देखो जब आप 20 वीडियोस डालने लगे, आपको 40,000 आने लग गया, 20,000 आप अपने लिए बचा रहे हैं, 10,000 आप सैलरी दे रहे हैं, 10,000 आप रीइन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यहां से तो आपका रेवेन्यू आ रहा है बट आपको उसको और स्केल करना है। तो स्केल करने के लिए अगर आप अपने जो भी आपकी वेबसाइट है उस पर आप 2-3 आर्टिकल मंथली डाल रहे हैं, तो क्या हो अगर आप अपनी वेबसाइट पे 30 आर्टिकल मंथली डालने लग जाए, क्वालिटी आर्टिकल जो कि रैंक करेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर आप अभी अपने ब्लॉग पे लाइक 1 साल पुराना ब्लॉग है, आप यहां से 10,000 रुपए महीना बना रहे हैं, 10,000 मतलब टोटल मिला के आपकी कितनी इनकम हो रही है, 40,000 प्लस यहां 10,000, 50,000 आप मंथली कमा रहे हैं। 50,000 आप मंथली कमाने के साथ साथ आपने एक एम्प्लॉय रखा जिसको आप 10,000 मंथली सैलरी दे रहे हैं, अब आपके पास कितना बच रहा है? पहले आप 30,000 बचा रहे थे, 10,000 सैलरी दे रहे थे, मतलब 30,000 आपकी जो इनकम हो रही थी, 10,000 आपके एक्सपेंस हो रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब आपके पास 40,000 मंथली आ रहा है, 10,000 आप एक सैलरी दे रहे हैं, राइट। आप जहां 20,000 कमा रहे थे वहां से आपका जो 1 साल के अंदर रेवेन्यू 40,000 हो गया है। अब 40,000 के साथ साथ अगर आप एक और एम्प्लॉय रखते हैं जिसको आप एज अ कंटेंट राइटर, आप कंटेंट राइटर बना के रखते हैं, वो आपके लिए कंटेंट लिखेगा, उसको भी आप फॉर एग्जांपल 10,000 मंथली देते हैं। अब जहां आपकी वेबसाइट पे 2-3 आर्टिकल मंथली जा रहे थे, अब वहां पे 30 आर्टिकल मंथली जा रहे हैं, तो अब आपका जो रेवेन्यू है वो 10,000 से 15-20,000 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आप अब कितना कमा रहे हैं, 40,000 प्लस 20,000 मतलब आपका 60,000 रेवेन्यू बढ़ रहा है, समझ रहे हो? अब आप यहां पे उस बंदे को जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो इन फ्यूचर बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, आप अपना काम एलोकेट कर रहे हैं, अब आपके पास ज्यादा टाइम बच रहा है, आप ज्यादा वीडियोस प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप ज्यादा आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, है ना। दिस इज हाउ पीपल मल्टीप्लाई देयर रेवेन्यू और अपने जो बिजनेस को ग्रो करते हैं फ्रॉम 0 रेवेन्यू टू एक नेक्स्ट लेवल पे, है ना। ये चीजें कोई आपको बताता नहीं है, ये चीजें इंटरनेट में भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। जब मैं सर्च कर रहा था ऐसी वीडियोस तो मुझे नहीं मिल रही थी, लेकिन जब मैंने ये चीजें अपने खुद से एक्सपीरियंस किया कि भाई ऐसा होता है, अगर आप ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब देखो आप दिन का 3-4 घंटा लगा के चलो कि आपको रिसर्च करना ही करना है। कुछ लोग बोलते हैं मैं इंटरनेट पे फालतू बहुत सारी चीजें देखता हूं, कुछ लोग बायोग्राफीज पढ़ते हैं, है ना, वो कई बार वो सोचते हैं कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, बट वो टाइम वेस्ट नहीं है भाई। आप वहीं से ही चीजें सीखते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। आप जब भी जितना टाइम आप इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं, चाहे आप किसी की स्टोरीज देख रहे हैं या फिर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, मीडियम पे कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में लगेगा जरूर, वो कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा जरूर। आप अलग अलग इवेंट्स पे जाते हैं, वहां से कुछ सीखते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स ज्वाइन करते हैं, हर जगह से आपको थोड़ा थोड़ा चीज, ऐसी कुछ नई चीजें मिलेंगी जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। अब देखो जॉब पे जो एक फिक्स सैलरी आपको आती है उसके साथ साथ स्केलेबिलिटी कितना होता है, रिसेशन का टाइम अभी चल रहा है तो सैलरी बढ़ने की कोई बात ही नहीं है। अगर हम बात करें ऑनलाइन, अगर आप अपना काम कर रहे हैं टीम बिल्ड करने के साथ साथ, अब 1 साल में आपने 2 एम्प्लॉयर हायर किए, अब 1 साल आपने और काम किया, जो आप अभी मंथली 60,000 कमा रहे थे, क्या आप उसको 1 साल में डबल नहीं कर सकते? बिल्कुल डबल होगा अगर आप कंसिस्टेंटली उस पे काम करते रहेंगे, जो चीज कर रहे हैं बस बिल्कुल करते रहिए, छोड़िए मत। ये मत सोचिए कि भाई अभी छोड़ दिया बाद में कर लेंगे, अब पैसा तो आ रहा है, ऐसा नहीं। अगर आप जब उसको छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा, जो 60,000 है वो फिर से 10,000 पे आ जाओगे। अगर आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो वो जो 60,000 आप कमा रहे हैं वो 1,20,000 हो जाएगा दूसरे नेक्स्ट ईयर तक। तो अब आपने इस साल 2 लोगों को हायर किया, नेक्स्ट ईयर आप 2 और लोगों को हायर कर सकते हैं, आपकी टीम साइज क्या हो गया, 4 लोग। अब 4 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, अब आप 1,20,000 कमा रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप 10,000 के और एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं, फ्रेशर्स हायर करिए, इंटर्नशाला से हायर करिए, तो आपको कम पैसे में अच्छे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि उनको भी कुछ सीखना होता है, वो आपसे सीख लेंगे और आप उनसे काम ले सकते हैं अपना, राइट। तो यहां से आप इस तरीके से ग्रो करते हैं, इस तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। तो अब देखिए कितना ईजी सिंपल सा फंडा है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। अब जो लोग बोलते हैं कि भाई मुझे
1 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर एक बोलते ना कि मुझे $1 मिलियन फंडिंग नहीं मिली, मुझे अपने बिजनेस को मैं कैसे बढ़ाऊं, तो भाई सिंपल सा ये स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करो। एक मैंने आपको फ्रेमवर्क दे दिया है, इसको अप्लाई करिए, इंप्लीमेंट करिए। अब देखो, आप जब एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, एक वेबसाइट से आपको 20,000 रुपए मंथली आ रहा है, तो क्या आप एक और बंदा हायर करके उस एक और वेबसाइट नहीं स्टार्ट कर सकते डिफरेंट नीश में, या फिर सेम नीश में जो भी आप चाहें? बिल्कुल कर सकते हो, वहां से 20,000 बढ़ा लो एक साल के अंदर। तो जितनी ज्यादा वेबसाइट, जितने ज्यादा आपके चैनल, जितने ज्यादा बिजनेसेस, उतना ज्यादा रेवेन्यू, इतना ज्यादा इन्फ्लो होगा पैसे का आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, है ना। फिर उसी तरीके से आप स्केल कर सकते हो, अपने प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करिए और अपने जो कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाइए। तो इस तरीके से आपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो ये जो सेम फंडा है ये किसी भी बिजनेस में इंप्लीमेंट हो सकता है, और ये 100% प्रूवन चीज है जो मैं अपने बिजनेस में करता हूं। जो मैं, आप देखो, आज से बोलता हूं, मैं 4 साल पहले कुछ नहीं कमाता था, 4 साल पहले वाज लाइक बहुत बहुत कम पैसा आता था, बट अभी देखो अच्छा खासा आ रहा है, और मैं उसको स्केल करने की कोशिश में हूं। मेरा बस ये है कि मैं इसको ऑटोमेशन पे ले जाऊं, सारी चीजें खुद ब खुद हो, मैं 1 साल तक अपने बिजनेस में। लेकिन YouTube के लिए तो भाई काम करना ही पड़ेगा, कि वीडियोस, ये सब पैशन है। YouTube पे वीडियो बनाने में मजा आता है ना, आप सबको कुछ बताने में मजा आता है। जो रियलिस्टिक चीजें होती हैं वो इंटरनेट पे कोई आपको नहीं बता रहा है, तो मुझे ये गैप दिखता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस गैप को फिल करूं और आपको ये सारी चीजें बताऊं, ताकि आप इससे सीख के अपने आप को ग्रो कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे कमेंट करके बताइए किस क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी, किस तरीके से आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, और जो भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप सब नए मेहमान हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज में, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं आपसे अपने फ्यूचर वीडियोस में, तब तक आप यहीं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, टेक केयर, गुड बाय।